हाँ स्पीकर सर मैं आपकी नोटिस में 2 फरवरी 1948 को उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ मैं सिर्फ आप याद ये कि स्पीकर ने क्या कहा था सर स्पीकर ने कहा था इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी वी कैनॉट कंडेम दिस आइडिया ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल एंड्स इन टू स्ट्रांग टर्म्स मियर कंडेमनेशन ऑफ द मिसगाइडेड एंड मैड परपेट्रेटर ऑफ द ट्रेजेडी इज नॉट इनफ ये स्पीकर ने कहा था तो मेरी मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था आप बोलिए गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर अरे सुनो देखिए सर क्या हो रहा है सर क्या हो रहा है सर ये क्या हो रहा है जैक इन द बॉक्स का बिहेवियर सर जैक इन द बॉक्स करो कि एक मिनट सर सर मैं खत्म कर रहा हूं मैं खत्म हो गया एक आधा मिनट सर खत्म कर मैं खत्म कर रहा हूं सर सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर आपने 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 कहा कि इस रिकॉर्ड पर नहीं है मेरी आपसे गुजारिश है ये एग्रेवियस ब्रीच है इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर द मेंबर शुड कैटेगोरिकली से That Nathuram Godse is not a deshbhakt, he's a terrorist and a murderer of Gandhi. Hey, suno, maniye, main kal aise raksha mantri ji ne adhikrit roop se sarkar ki taraf se bayan de diya. Phir main dobara kahunga ki maniye sansadiya karya mantri ji is vishay par adhikrit bayan de de. Sir, no. अब हो गया आपका अदब आप सरकार की तरफ से बयान सुनना चाहते हैं ना आपने आपने टिप्पणी करी सरकार इसके बारे में क्या सोचती है तो फाइनल कितना देने का सुरेश जी बोलते नहीं सर इट इज नॉट कितना बार बोलेंगे नो सर ये सॉरी विषय तो बोल रहे हैं आप ये स्पोकन थॉइस आप क्या बोलना चाहते हैं एक मिनट की बात सुन लो एक सेकंड बस एक सेकंड आप क्या बोलना चाहते हैं मैं बार बार ये कह रहा हूं सर अरे एक मिनट सदन की गरिमा के साथ इसका ताल्लुकत है ठीक है और इसलिए सर हम लोग आपकी निगाहों को आकर्षित करने का कोशिश किया ठीक है कल से क्योंकि ये सदन की गरिमा की अब आकर्षित हो गया तालुका था मेरा तो सर बाहर कौन क्या बोला बाहर कौन क्या किया इससे अलग मैं इसका तालुका नहीं है सर लेकिन कल राजनाथ सिंह जी जरूर बातें रखे और वो भी हम देखा कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई करने का कोशिश किया गया इसका मतलब यह है उनका उन जो दोष किए थे ये सरकार ने खुद माना एक मिनट तो जब सरकार ने खुद माना उन्होंने दोष किया तो उनको ये मानने में और क्षमा चाहने में भी मेहताब जी क्षमा मांगने में उनका क्या आपके एक सदस्य क्यों हिचकी जाते हैं सर अनक्वालिफाइड क्षमा मांग अरे बी मेहताब जी अब बी मेहताब जी आप बी मेहताब जी अधिरंजन जी आप अधिरंजन जी आप गरिमापूर्ण समाप्त किया करो अधिरंजन जी आप गरिमापूर्ण समाप्त किया करो अरे आप मत करो